हेलो गाइस, मेरा नाम है मयूर और इस वीडियो में हम टेस्टिंग करने वाले हैं आईक्यू Z3 की। बेसिकली इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं हम चार्जिंग पोर्ट की, क्योंकि कंपनीज आजकल क्लेम करती हैं 10 वॉट, 20 वॉट, 30 वॉट, 55 वॉट, 100 वॉट और अब तो 200 वॉट की भी फास्ट चार्जिंग आ रही है। तो इस प्रोडक्ट के साथ में फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिलती है 55 वॉट की। तो टेस्ट करेंगे हम कि 55 वॉट मतलब कितना तेज़, कितनी जल्दी हमारा ये फ़ोन फुल चार्ज होता है 0 से 100%। इसमें 4400 एम्पियर आर की बैटरी है जो कि ऑलमोस्ट एक दिन जाती है, बट ये चार्ज होने में कितना टाइम लेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे या फिर और ज़्यादा, टेस्ट करेंगे इस पूरी वीडियो में और आपको बताएंगे कि फास्ट चार्जिंग कितनी यूज़फुल है आपकी डे टू डे लाइफ में और कितनी जल्दी आप अडेप्ट कर सकते हैं इस फास्ट चार्जिंग के साथ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। चलिए टेस्टिंग फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि ये आईक्यू Z3 हमारा 4400 एम्पियर आर बैटरी के साथ में अभी पूरा डिस्चार्ज है, 0% हो गई है इसकी बैटरी। तो अब शुरू करते हैं इसकी फास्ट चार्जिंग जो कि कंपनी क्लेम करती है 55 वॉट की। तो चेक करते हैं कितनी देर में ये कितना चार्ज होता है। तो चलिए टाइमर शुरू करते हैं और इसकी चार्जिंग मैं लगाता हूँ। तो चार्जिंग मैंने लगा दी है यहाँ पर और टाइमर भी शुरू कर दिया है। तो देखते हैं कितनी देर में कितना परसेंट ये फ़ोन चार्ज होता है। तो 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं और 0 से 12% होने में इसने 5 मिनट का टाइम लगाया है, मतलब 5 मिनट के अंदर ये 12% चार्ज हो जाएगा और मेरे यूजर्स के अकॉर्डिंग ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 घंटे बैटरी जाने वाली है। तो 10 मिनट की अप्रॉक्सीमेट चार्जिंग में ये फ़ोन हमारा 19% के अराउंड चार्ज हो चुका है। पंद्रह मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 28% चार्ज हो चुका है, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है, क्योंकि 28% अराउंड आपको 4 से 4.5 घंटे का बैकअप देगा। परसेंट चार्ज होने के लिए 27 मिनट। परसेंट चार्ज करने के लिए 51 मिनट का टाइम लगा है 55 वॉट के पॉप चार्जर को। फोन चार्ज होने में इसको लगे अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 3 मिनट, यानी 63 मिनट्स में ये आपका फ़ोन 0 से 100। तो गाइस, टेस्टिंग के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा आईक्यू Z3 जो कि 4400 एम्पियर आर की बैटरी के साथ आता था, 55 वॉट चार्जिंग से इसको लगाया अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 3 मिनट 0 से 100% चार्ज होने में। स्टार्टिंग के 5 मिनट में इसने 12% चार्ज कर दिया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का बैकअप देता है और काफ़ी इनसेन चार्जिंग स्पीड थी स्टार्टिंग में। 50% चार्ज होने में अप्रॉक्सीमेटली इसको 27 मिनट लगे और 90% होने में अप्रॉक्सीमेटली इसको 58 मिनट्स लगे। तो काफ़ी ही तेज़ चार्जिंग स्पीड है और मेरा यही सजेशन है कि आप कोई भी स्मार्टफोन लीजिए तो चार्जिंग स्पीड को देख के ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए बैटरी कैपेसिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि चार्जिंग स्पीड के अकॉर्डिंग अगर आपकी बैटरी 500 या 100 एम्पियर आर कम भी होगी, बट आप 5 मिनट चार्ज करने के बाद अगर उसको 2 या 2.5 घंटे ज़्यादा चला सकते हैं तो वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।